हनुमाचार्य, एमसीडी का परिणाम कुछ और है। हनुमाचार्य, आप कैसे देखेंगे इन नतीजों को टोटैलिटी में? दिल्ली का एमसीडी जहां आपको कुछ नहीं मिला, गुजरात जहां पर आप 16 सीट पर आ गए 77 से, सिर्फ हिमाचल जीत पा रहे हैं आप? आपने म्यूट किया है शायद, अनुमा आपकी आवाज नहीं आ रही है। हिमाचल मत कहिए उसे, हिमाचल के लोगों ने मुद्दों की बात कही, मुद्दों की बात समझी। यहां दिल्ली में राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ा गया और फ्रीबीज पर लड़ा गया। खैर, हम दिल्ली को अपना कमजोर कड़ी मानते हैं और इस पर काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि जनता ने शीला दीक्षित द्वारा बनाई गई पूरी दिल्ली को खारिज करके सिर्फ प्रचार पर वोट दे दिया। पर गलती हमारी है, ये लोगों तक हमको लेकर जाना पड़ेगा और ये हमें समझ में आया है। गुजरात की जहां तक बात है, गरवी गुजरात पर चुनाव हुआ है और कोई बात नहीं, वहां हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था। हमें लगता है कि हमें उसी को दोहराने की जरूरत है, लेकिन दूसरे तरीके से। तो गुजरात में इस बार जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया था, वो सारे लोग ना केवल ऐसे जुझारू लोग थे जो आंदोलनों से निकले, जो एक्टिविस्ट थे, जो लोगों के साथ खड़े रहे, लेकिन हो सकता है कि वहां पर वो अपनी बात उस शिद्दत से नहीं कह पाए हों। हम दोनों जगह की जिम्मेदारी लेते हैं और आपको आगे के समय में, यहां तक कि लोकसभा चुनाव के समय में, हम परिणाम बदलते दिखाएंगे। हम ये नहीं दावा कर रहे कि बहुत ज्यादा कुछ हमें मिलेगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो वोट परसेंटेज जो हमारा विधानसभा में दिल्ली में 4% पर पहुंचा था, वो 11 पर पहुंचा है, धीरे से बढ़ा है। इसी तरह हम लोकसभा में इसे और ज्यादा बढ़ते देखेंगे। और इसी तरह हम गुजरात की भी बात करते हैं कि हम बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस या कोई एकदम मिराकल नहीं करेंगे, लेकिन अब हमें यहां से अपनी जड़ें पकड़ना शुरू करना है। ओके, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।